आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी 23 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पूर्व में भी जुलाई महीने में 5 दिन के हड़ताल पर जा चुके हैं कर्मचारी। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से किसान परेशान। अंबिकापुर में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वारा समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर अब लामबंद हो गए हैं। सहकारी समिति के संभागीय स्तरीय कर्मचारियों ने आज अंबिकापुर में रैली निकालकर अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर 23 अगस्त को उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मेरा नाम प्रभाकर सिंह है और मैं छत्तीसगढ़ आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ का संभागीय अध्यक्ष हूँ। आज रैली निकाले हैं, किन मांगों को लेकर रैली निकाले हैं और एक ज्ञापन किन विषयों को लेकर सौंपे हैं? हम लोगों का बहुत दिन से एक मांग है, नियमितीकरण और वेतन अनुदान, उसी को लेकर माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन देने सौंपने के लिए हम लोग आज यहाँ कलेक्टर सरगुजा अंबिकापुर पहुँचे हैं। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? बस हमारा 2 ही मांग है, या तो नियमित किया जाए या तो फिर हमें वेतन अनुदान दिया जाए, दोनों में से जो भी हो जाए। मांग पूरी नहीं होती किस तरह से काम बंद करके बैठे हुए हैं आप लोग? मांग पूरा नहीं होगा तो 22 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उससे क्या दिक्कतें होंगी? उससे किसानों को सही समय पर खाद बीजा उपलब्ध नहीं हो पाएगा। धान का भी जो सबसे बड़ा चल रहा है सीजन, धान पंजीयन को पंजीयन नहीं हो पाएगा तो धान बेचने से बहुत सारे किसान वंचित हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि बीते 1 जुलाई से 5 जुलाई तक 5 दिवसीय संभागीय स्तर पर सहकारी समिति के कार्यालयों में ताला जड़कर कर्मचारी संघ हड़ताल पर थे। वहीं आज अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सहकारी समिति के कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि सहकारी समितियों के कर्मचारी संघ के हड़ताल में जाने की वजह से किसानों को खाद बीज और नकदी पैसों के भुगतान को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी समिति संघ के द्वारा अभी कलेक्टर घेराव कर ज्ञापन का कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित था। उक्त संबंध में SDM साहब के दिशा निर्देश पर मैं नायब तहसीलदार यहाँ पे उपस्थित होकर उनका ज्ञापन प्राप्त किया। उनका प्रमुख जो मांग था, शासन से जो प्रमुख मांग था, वेतन विसंगति को लेकर था और उनका जो नियमितीकरण को लेकर जो समस्या थी उसका लेकर प्रमुख मांग था। उन्हीं बिंदुओं पर उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है।